हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं जो आज हमने आपको ट्रेड अपडेट किया था उसके बारे में। 12:01 पे कैसे ऑप्शन चेन देख के हमने कॉन्फिडेंस निकाला था, क्या क्या लॉजिक था, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो एंड तक आप जरूर देखिए। अब बात करते हैं कि जो हमने अपडेट किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हो 43,600 11:47 पे 350 के ऊपर बाय करना है। 316 का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस है और लगभग ये आपका 30 से 35 रुपये का स्टॉप लॉस था। देखो स्टॉप लॉस इसीलिए मैं बढ़ा देता कि स्पाइकिंग बहुत तेज होता है ना मार्केट में, वॉल्यूम स्पाइक। यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम स्पाइक की वजह से ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जिसमें अपने को 30 रुपये का अपना एसएल चला गया था सीधा सीधा, है ना। 30 से 35 रुपये का अपना एसएल चला गया था यहाँ पर, करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम स्पाइक की वजह से। मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है किसी भी, चाहे वो आपका ग्रीन वॉल्यूम हो चाहे वो आपका रेड वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उस पर क्या होता है, ब्रेकआउट पे कोई भी रेंज अगर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर ऑप्शन चार्ट पे, यानी ये तो प्रीमियम का चार्ट है, ऑप्शन चार्ट पे अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि पोजिशन एग्जिट हो रहा है, ना कि पोजिशन एड हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर बायर्स एड नहीं हुआ है, बल्कि ये बायर्स क्या है, स्टॉप हो रहा है, ये फेक ब्रेकआउट है, जिसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ओके, यहाँ पर क्या है कि सेलर्स ऐड हो रहा है, क्योंकि ये जो इंक्रीज हुआ ये सेलर्स ने इंक्रीज किया है, ना कि बायर्स ने, है ना। 30 पॉइंट को आपको ऑप्शन चेन चार्ट पे आपको क्लियरिटी मिलेगा, बट आपको प्रीमियम का चार्ट आप देख के आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि जो मेरी जो एक वीडियो मैंने बनाया है एसएल सिस्टम, ठीक है, एसएल सिस्टम वाली वीडियो एकदम आप देख सकते हो। ये इस वीडियो को देख के आप लॉस रिकवरी कर सकते हो। सिंपल आपको यूट्यूब पे सर्च करना है एसएल सिस्टम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बिल्कुल टॉप में वीडियो मिलेगा वो, और उस वीडियो देख के आप ये सारी कुछ चीजें आप ए हर एक ट्रेड पे यहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर अपडेट किया कि वेट करो दोबारा ब्रेकआउट को, 355 ब्रेकआउट होगा फिर एंट्री करना और 320 का स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि मैं पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट था, डेटा वाइज में पूरा कॉन्फिडेंट था कि मार्केट क्या होगा, कितना भी यहाँ पर मार्केट रेंज हो जाए आप देखोगे, है ना। 12 बजे जो स्पाइक हुआ था वो देखो ये वाली कैंडल है, ठीक है, यानी ये वाली जो कैंडल सबसे पहले अपसाइड ब्रेकआउट हुआ उसके बाद डाउन आया था, तो इसी वजह से क्या हुआ हमारा स्टॉप। लेकिन क्या है मार्केट क्या है, डेटा कल के क्लियर था कि मार्केट क्या होगा, आपका यहाँ पर 43,800 तक जाना ही जाना चाहिए। उसके बाद देखोगे मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया लगभग ये 12:30 बजे के आसपास मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया था, ठीक। तो ये 12:01 का कन्फर्मेशन था। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर एग्जिट जो हुआ था वो था 95 का मार्केट ने हाई लगाया था और हमारा लॉस भी रिकवर हो गया था, जो हमारा लॉस हुआ था पहले ट्रेड में वो लॉस का रिकवर हो गया था। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर आप चार्ट को आप समझो दोस्तों, 43,700 को आप देखोगे, 43,700 का सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑब्जर्व करना है, जिस स्ट्राइक कम है, पुट साइड आप देखो वॉल्यूम ज्यादा है, 21 लाख है, चेंज ओपेंटर्स भी ज्यादा है, टोटल ओपन तीनों केस में क्या, तीनों केस ज्यादा है। अब देखो ज्यादा इसलिए है क्योंकि मार्केट क्या है, पहले मार्केट ने 500 का लो लगाया, आप यहां पर देखो इस वजह से वहां पर ज्यादा है। पहले मार्केट ने क्या हुआ 500 का लो लगाया यहां पर, उसके बाद यहां पर क्या हुआ मार्केट ने 200 पॉइंट का रिकवरी किया, लगभग 300 पॉइंट का रिकवरी किया, उसके बाद फिर से रेंज हो रहा है, फिर जाके मार्केट अपसाइड जा रहा है ना। तो जब इतना बड़ा रिकवरी किया होता जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हुआ होगा, बायर्स भी यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज है ना। तो अगर मार्केट को रोकना है, अगर मार्केट को नीचे ले जाना है, तो या तो वो 600 पे इंक्रीज कर दे वॉल्यूम इंक्रीज कर दे, या तो चेंज ओपेंटर्स की इंक्रीज है। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर चार्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसके वजह से मार्केट क्या हुआ अच्छा खासा, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता, जैसे यहाँ पर 21 लाख है, और अगर यहाँ पर 21 लाख हो जाता तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता, मैं फिर आपको बाइंग के लिए प्लान नहीं करता, फिर मैं सेल के लिए प्लान करता है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन ओपन है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसका मतलब कि ट्रैप हो सकता है ना मार्केट में, ठीक है। आप देख भी सकते हो 43,800 से मार्केट क्या हुआ, ट्रैप होकर डाउन ही आया है ना। तो इस चीज को आप आइडिया लगा सकते हो। देखो तीन स्ट्राइक प्राइस को आपको टारगेट करना है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, और ये जो तीन स्ट्राइक वाला फार्मूला है ये मेरा डेवलप किया हुआ फार्मूला है। इस फार्मूले के साथ आप कोई भी ऑप्शन चेन का स्ट्राइक प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हो, है ना। अब देखो जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ले रहे हो और जहां से उसके एक थे नीचे वाला एक ऊपर वाला, जहां पर आप जाना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले उसको समझना है। अब जैसे हमको जाना था 43,800 तक जाना था, यहाँ पर आप देखो अच्छा खासा यहाँ पर आपका वॉल्यूम जनरेट हुआ है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे 80,000 का है। लेकिन अगर आप पुट साइड आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी कम है एंड उसके बाद चेंज ओपेंटर्स भी कम है,
और आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट भी कम है और आप देखोगे भी कम है और आप देखोगे कॉल साइड क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट आप देखो टोटल ओपन का 132,000 का है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट 2 दिन करता है। ये जो OI है ना, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, फ्राइडे को ये सबसे ज्यादा वर्क करता है, ठीक है, यानी इसके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि इसका मीनिंग कुछ और है, बट मेरा ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्राइडे के दिन एंड आपका एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन, इस दिन क्या होता है, टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा अटैक करता है, मतलब कि ट्रैप करने की ज्यादा कोशिश करता है। तो जिस दिन जहां जहां पर ये सबसे ज्यादा आपको नजर आए, इसका मतलब आप फ्राइडे को और थर्सडे को इस मतलब उसी स्ट्राइक प्राइस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका आपका ये टोटल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो, है ना, और प्लस वॉल्यूम भी साथ होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर पुट साइड से वॉल्यूम भी कम था और टोटल ओपन इंटरेस्ट कम था, इसीलिए 43,800 से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। लेकिन अगर 43,800 मार्केट अगर ब्रेकआउट होता तो मार्केट कंटिन्यू क्या होता देख सकते हो। 43,800 से एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम ज्यादा था, इसके वजह से यहाँ पर देखोगे ट्रैप एरिया, पहले मार्केट ऊपर गया ट्रैप होकर फिर जाके डाउन आया, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि कैसे हमने ट्रैप ट्रेडिंग किया था। तो छोटे छोटे आपको स्टेप फॉलो करने, तभी जाके आप ऑप्शन चेन पे आप मास्टरी हासिल कर सकते हो और डेली बेसिस पे आप यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा कि ऐसा सिस्टम वाली वीडियो आप देखो, हर एक ट्रेड पे आप प्रॉफिट बना सकते हो, छोटा छोटा प्रॉफिट। मैंने 3 स्टेप बताए, तीनों स्टेप लागू होता है मार्केट में डेली, तीनों स्टेप मार्केट में वर्क करता है डेली, ओके। कोई भी तीनों में से एक पहला स्टेप तो सबसे पहले वर्क करता है SL सिस्टम का। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, SL सिस्टम वाली वीडियो में आपको आई बटन में दे दूंगा, आप देखना जरूर दोस्तों। तब बात कर लेते हैं कि मंडे को कैसे अपने को किस लेवल पे ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपका है 43,500। 43,500 अगर ब्रेक होगा तो फिर हम सेल के लिए प्लान करेंगे, फिर हम बाय नहीं करेंगे। 43,500 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फिर ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। मार्केट 43,000 आपका 390 तक आएगा और रेंज होने के बाद डाउन जाने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल कहा जाए कि मार्केट ओवरऑल अगर मार्केट 43,500 ब्रेक करता है तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, डाउन ही जाएगा। मैं आपको डेटा भी समझाता हूँ यहाँ पर, अगर आप डेटा देखो, डेटा भी क्लियर है ये चीजें, मार्केट क्या होगा 43,500 के नीचे अगर जाता है। तो ये आप देखो यहाँ पर सिंपल सा डेटा देखो, 43,500 पे अब यहाँ पर 43,600 देख लो, डेटा आप देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम आप देखो 17 लाख एंड 27 लाख, ठीक। अब यहाँ पर यहाँ पर 38 लाख यानी लगभग 40 लाख, इसके नीचे सब क्या है, वीकनेस वॉल्यूम है, ठीक है, वीकनेस वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है जब 500 ब्रेक करेगा, ठीक है, 500 ब्रेक करेगा प्लस 400 ब्रेक करेगा और 43,300 पे प्राइस होल्ड करने की कोशिश करेगा, या तो 43,300 पे होल्ड करने की कोशिश करेगा या तो 43,200 पे होल्ड करने की कोशिश करेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि आप करेगा, है ना, सिंपल सी बात है कि आपको जब भी ब्रेकआउट होगा 500, क्योंकि यह हाईएस्ट वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है अपसाइड के लिए, तो बायर्स क्या होंगे, ट्रैप जरूर होंगे, है ना। फ्राइडे को मार्केट अगर ब्रेक करता है 43,000 आपका 500, तो मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड जरूर जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए देखो, प्लान तभी हम करेंगे जब मार्केट का 43,800 आपका ब्रेकआउट होगा, तब जाके हम प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे और ना ही बाइंग के लिए प्लान करेंगे। इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट ट्रैप ज़्यादा होगा 43,840 एंड आपका होगा 43,650। इसके बीच में आपका मार्केट ट्रैप होने का, मार्केट अगर 43,500 से अगर रिवर्स होता है तो फिर हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्स हुआ इसका मतलब बायर्स क्या होंगे, फिर इंटरेस्टेड होंगे 43,600 43,700 पे, तो मार्केट क्या होगा, आप डायरेक्शन में हायर हाई हायर लो बना के जा सकता है ऊपर, है ना। तो आपको प्लानिंग तभी करना है बाइंग के लिए जब मार्केट रिवर्सल पे हो, ठीक है। तो ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है 44,000 के ऊपर, हम क्या करेंगे बाइंग के लिए प्लान, ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों, है ना। तो थोड़ा सा निफ्टी के लिए भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि देखो निफ्टी काफी अच्छा गिर रहा था आज, और मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेस्ट है निफ्टी के मेरे लिए सबसे बेस्ट एरिया है कि जहाँ पर मार्केट क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। तो वो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये जो पट्टी मैं बना रखा हूँ, ये पट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की पट्टी है कि कैसे अपने को यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान करना है, ठीक है दोस्तों। तो प्लानिंग करना अपने को सेल के लिए प्लानिंग तभी करना है जब आपका 18,640 और आपका 60 के बीच में मार्केट रेंज हो, यानी यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर मार्केट 20-30 पॉइंट ऊपर हो जाता है या 20-30 पॉइंट नीचे आता है, तो अगर मार्केट क्या होता है कि आपका यहाँ पर 18,700 के नीचे ही रहता है, तो अपने को सेल के लिए ही प्लान करना है। और सेल तभी करना है जब आपको दोस्तों क्या करना है, जब मार्केट आपको
18,640 के नीचे ट्रेड करेगा तब अपने को सेल करना है, ओके। और अपने को रिवर्सल ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है, अपने को ब्रेकआउट ट्रेड करना है 18,730 पे, अपने को ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना है अपसाइड के लिए। जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 18,800 का, ये हमारा बड़ा टारगेट होगा क्योंकि हम जो अपकमिंग मंडे आपका आएगा, मंडे टू फ्राइडे बड़ा मोमेंटम मिलने वाला है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े टारगेट का आप नोट डाउन करके रखो और उसी पर ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन आए तो सीधे सीधे अपना 560 का ये अपना टारगेट होगा दोस्तों। और 560 से ही मार्केट क्या होगा, 560 ही आपका डिसाइड करेगा कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा या कंटिन्यूएशन होगा। अगर मार्केट अगर रेंज होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर रेंज होता है तो प्राइस क्या होगा, डाउन ट्रेंड आने के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट होगा तब चांसेस यहाँ पर कम है, ओके। बाकी ऑप्शन चेन में आप देख लेना है ना, सब वही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। ऑप्शन चेन देखो, मैं आपको इतना सिखा दिया हूँ हर एक वीडियो में कि आप लोग एक अच्छा ट्रेडर आप बन जाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें चाहिए आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके बाद डेटा रीडिंग, आपको डेटा रीडिंग आना चाहिए दोस्तों, है ना, डिटेल में। और डेटा रीडिंग के लिए मैं आपको कहता हूँ सिर्फ ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, तीन चीज़ पे आप डेली फोकस करो, आप एक दिन मास्टर हो जाओ।